स्वागत है सभी दर्शकों का गिलौला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां अयोध्या से सटे नवाबगंज थाना क्षेत्र के सचरही मोहल्ले में एक मकान में जबरदस्त विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। इस भीषण विस्फोट से 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया और मकान के मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। मलबे में दबने से 3 अन्य लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक युवक को हायर सेंटर लखनऊ के लिए रिफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना में छानबीन करने में जुटी हुई है। नवाबगंज कस्बे के सचरही मोहल्ले का रहने वाला साईद काफी दिनों से पटाखा बेचने का कारोबार करता था। इस बार भी साईद ने दीपावली को लेकर अपने घर में भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा कर रखा था। सोमवार की सुबह अचानक उसके घर में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि उसकी 2 मंजिला इमारत भरभरा कर ढा गई। इस हादसे में साईद के पत्नी खैरुल निसा की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि उसका बेटा इब्राहिम झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इब्राहिम को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर लखनऊ के लिए रिफर कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना की छानबीन कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि विस्फोट में महिला की मौत हो गई है और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीब ये सूचना मिली थी, एक घर में वहाँ पर किसी में सच्चाई बोलना है, यहाँ पर धमाका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची और जो माँ बेटा इब्राहिम और उसकी माँ करुण निसा जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया और उसमें जो है इब्राहिम घायल है, उसको जिला अस्पताल के बाद उसको लखनऊ रिफर किया गया इलाज के लिए और उसकी माँ खरीद निशा है और मृत्यु हो गई है और इसमें और कोई घर में नहीं था उस समय और इसमें जो मौके पर पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है और ये जो प्रथम दृष्टया जो लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है तो पहले तल्ले पर पीछे के पास उनके द्वारा बताया गया कि सिलेंडर फटा है इसलिए धमाका हुआ है, जबकि ये भी जानकारी मिली है कि इब्राहिम ने जो दीपावली के दौरान तब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था पटाखा बेचने का, ये भी संभावना हो सकती है कि उसने घर में ही रख रखा हो बेचा हुआ था पटाखा। बहरहाल इसमें विशेषज्ञ टीमों को बुलाया गया है और मौके पर जो भी कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की जा रही है और इसमें अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी आपको